अगर तुम इस चैनल पर बहुत टाइम से जुड़े हो और तुम मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो, बहुत साल से देख रहे हो, तो तुम्हें पता होगा इस चैनल पर ना हम हर कुछ दिन में नए नए बिजनेसेस स्टार्ट करते रहते हैं। जैसे हमने शुरुआत की थी रेंट से, उसके बाद में हमने गैस स्टेशन का बिजनेस स्टार्ट किया, हमने थोड़ी बहुत चोरी की, हमने इंटरनेट कैफे का बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब ऐसे सारे बिजनेसेस हमारे चैनल पर चलते रहते हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। तो वैसे ही आज भी हम एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम मोबाइल बेचेंगे। मतलब मोबाइल बेचेंगे भी, नए वाले भी और सेकेंड हैंड फ़ोन भी, साथ ही साथ हम फ़ोन को रिपेयर भी करेंगे। ये सारी चीज़ों का आज हमारा एक और नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो यस, स्वागत है आप सभी का मोबाइल स्टोर सिम्युलेटर के पहले एपिसोड में। आज हम हमारी खुद की एक मोबाइल स्टोर ओपन करने वाले हैं, जिसका नाम होगा फ्लिक्स मोबाइल। ठीक है, करते फटाफट से स्टार्ट, देखते हैं इस बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमेशा हम प्रॉफिट को ना, मतलब कुछ कुछ जगह हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब कुछ कुछ बिजनेसेस के अंदर, और कुछ कुछ जगह हम लॉस में गए। देखते हैं हम इस वाले बिजनेस में हम क्या करते हैं। अभी फिलहाल में शायद से हम अपने घर पर है, वैसे घर तो काफ़ी ज़्यादा सही है, ज़्यादा कुछ सामान है नहीं हमारे पास में। और खिड़की से व्यू कैसा है वैसे? अच्छा, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। ओके, सिर्फ हमारे पास में बेड है, लैम्प है, यहाँ छोटा सा किचन बना हुआ है, एक सोफ़ा रखा हुआ है, बाकी ये पूरी जगह खाली है। ये शायद से बाथरूम होगा। यस, हम गरीब है अभी फ़िलहाल में, ठीक है, बट तो भी हमारे पास में ना एकदम बढ़िया वाला शावर भी है। ओके, चलते हैं हम। अभी अपने को जाना है अपनी स्टोर, सुबह के 9:30 बज रहे, 9:30 नहीं, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं। चलते फटाफट से। बाहर का थोड़ा सा डरावना सीन नहीं लग रहा तुमको? हैं, मतलब ऐसे मनुष्यत वाला लग रहा है। खैर, अभी थोड़ी सी गरीबी है, थोड़े टाइम के अंदर हम नया अपार्टमेंट परचेस कर लेंगे। हमारे पास भी ना अभी $1800 है, जो कि मोबाइल खरीदने के काम में आएगा। ऊपर गया है वैसे, ऊपर भी क्या सारी चीज़ें सेम होने वाली है? यस, इधर के कोई डोर नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर के अंदर जा सकते हैं। ऐसे थोड़ी हम दूसरे के, किसी के और के घर के अंदर घुस जाएंगे। ये है फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर भी ऑलमोस्ट सारा सेम ही है। हमारी शॉप कहाँ है? ओहो, मेरे को ऐसा लग रहा है ना हम ऐसे कोई कंट्री साइड में या फिर ऐसे कुछ आउट ऑफ द सिटी लग रहे हैं। वैसे बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, एक छोटी सी ना ऐसे सोसाइटी टाइप बनी हुई है। मेरी शॉप कहाँ पर है? क्या मेरे को इधर जाना है या फिर मेरे को इधर जाना है? नहीं नहीं नहीं, शायद से ये रही हमारी शॉप। यस, यही हमारी शॉप, फ्लिक्स मोबाइल। वैसे जहाँ पर हमारी शॉप है ना, मतलब ये एकदम कॉर्नर पर है, जहाँ से ना इधर से भी लोग आ रहे, इधर से भी लोग आ रहे, इधर से भी लोग आ रहे, हमारे बिजनेस को थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। खैर, चलते हैं अभी अंदर जाकर चेक करते हैं आज अपने को क्या करना है। कूड़ा कचरा तो भाई देख रहे हो कितना सारा पड़ा है। सिम्युलेटर गेम की ना शुरुआत ही इतने बेस से होती है कि अपने को सबसे पहले जाकर साफ सफाई करनी होती है, टाइल्स बदलो, कलर बदलो, फर्नीचर लगाओ, सारी चीज़ें। अभी अपने को पूरा ट्रैश क्लियर करना है, ठीक है, जो कांच के ऊपर। शायद से ना ये वाली दुकान बहुत टाइम से बंद पड़ी हुई है, इसीलिए कांच के ऊपर जो यहाँ का ओनर है उसने पेपर लगा दिया। बिजली है हमारे पास में या नहीं? यस, बिजली है हमारे पास, बट अभी दिन का टाइम कौन बिजली स्टार्ट करेगा? रुक जाओ, पहले ना मैं पूरा का पूरा ट्रैश उठा लेता हूँ, ज़्यादा ट्रैश है नहीं। क्या ये फर्नीचर, इतने बड़े बड़े फर्नीचर को मैं फेंकूँगा कहाँ पर? क्या यहाँ पर आसपास में कहीं डस्टबिन है? रुक जाओ, पहले ना फर्नीचर उठाते तो सही है, ठीक है। फर्नीचर उठा के अपने को करना क्या, इसको क्या यहीं पर रखना है या फिर नहीं? क्लीन द शॉप, थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन, वेरी नाइस। तो ये डिब्बों को ट्रैश कैन तक लेकर जाने के लिए क्या मेरे को इसे इन्वेंट्री में रखना पड़ेगा? ओके ओके ओके, चलो ये सारा सामान ना इन्वेंट्री के अंदर पहले हम रख लेते हैं, सारे के सारे डिब्बे। इसके बाद में इसको जाकर कर देंगे हम थ्रो, और ज़्यादा सामान नहीं आएगा मेरे पास। एक काम करता हूँ, ये ऐसे हाथ में लेकर चलता हूँ, बट लेकर जाऊँगा कहाँ, यहाँ पर घर में? ओहो, कितने सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, मेरे को तो लगा था क्या यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। ये बंदे लोग का ट्रैफिक हो गया यहाँ पर, एड़े दरियो है। अरे इसको वहाँ जाना है, तुम लोग इसको ज़बरदस्ती खींच के, अबे वो बंदे को यहाँ जाने दे, अपनी मर्जी चला रहे भाई, जिसको जहाँ जाना जाने नहीं दे रहे। अरे बुड्ढे छोड़ दे उसको, उसको इधर को जाना है तो उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। देखते ये वाला भी बंदा आ रहा है, ये तीनों मिलके किसको कहाँ लेकर जा भाई। तू चल, तू भी बुड्ढे के साथ चल, ये बुड्ढा ना डाकू लग रहा है, ये अकेला कितने लोगों को लेकर जाएगा? नहीं, अब ये तीनों मिलके इसको लेकर जा। ये क्या, अब दिन भर मैं यही देखता रहूंगा? अरे तू जाना तो साइड से भाई, जिद कर रहे, देखो साइड से नहीं चल रहे हमारे जैसे, इनको फुटपाथ के ऊपर ही चलना है, बताओ।
अब तुम कह जा रहे हो पहलवान है, ये काओ लेडी लग रही है, काओ बॉय तो नहीं बोलेंगे, काओ गर्ल लग रही है। ये बुड्ढे को जबरदस्ती लेके चले गए वो लोग, जाओ 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 लेकर जाओ लेकर जाओ। यहाँ से क्या जेब्रा क्रॉसिंग है जो ऐसे टर्न करके गए? चलो भाई ये लूप में ना चलते रह गए, उसकी जुड़वा बहन पीछे से, अरे मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ, इधर साइड में जाकर देखते हैं डस्टबिन है कि नहीं है। कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। यस है यहाँ पर डस्टबिन है, इसको इसके अंदर थ्रो कर देता हूँ, बाकी सारा सामान भी ना थ्रो कर देता। ये शुरुआत में ना मतलब सिमुलेटर गेम में ऐसे सारे बग्स ग्लिचेस सारी ना चीज़ें चलती रहती है, बट अच्छा लगा देखकर। पूरा कूड़ा कचरा डाल दिया यहाँ पर, चलते हैं हम अपनी वापस से शॉप पर। इनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? यस इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फाइनली, वरना चार जन इधर से वहां जा रहे हैं, वो वहां से यहाँ आ रहे हैं। ये दोनों लकड़ी उठा लिए, इसके अलावा और कुछ है अपने पास? नहीं और कुछ भी नहीं है। फटाफट से चलो ये भी थ्रो कर देते हैं। यू शुड बाय डिस्प्ले केसेस फॉर मोबाइल फोन्स एंड एसेसरीज, ठीक है, बट मैं डिस्प्ले केसेस मंगाऊंगा कहाँ से? क्या आसपास में और कोई शॉप है? रुक जाओ इधर साइड में जाकर चेक करते हैं, कोई तो शॉप मेरे को लग नहीं रही। अच्छा यहाँ पर है स्टोर फिक्स्चर्स रिटेल, पता नहीं क्या है। अच्छा यहाँ पर ना शायद से ये सारा फर्नीचर वो मिलता है, फर्नीचर तो नहीं चाहिए मेरे को अभी, फर्नीचर का हम कर लेंगे फॉर सेल। अच्छा बड़े वाले शोरूम भी है जिसको हम परचेस कर सकते हैं। और आगे जा सकता हूँ? नहीं यहाँ तक ही जा रहा हूँ मैं, इसके आगे नहीं जा सकता हूँ। कोई बात है नहीं यार, यहाँ तो एक ही शॉप है क्या इधर साइड में? ये बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप बंद है अभी, इधर साइड में जाकर चेक कर लेते। इधर तो मैंने देखा हूँ, इधर तो कुछ है नहीं, ये गली में ही अपने को जाना पड़ेगा, गली में ही आई गेस और शॉप हो सकती है। अच्छा इधर भी एक शॉप है, ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, हमारी जो शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। नहीं इससे भी बड़ी शॉप है यहाँ पर। अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा तो धीरे धीरे करके हम और पैसे जोड़ करना अपनी छोटी दुकान से ना बड़े शोरूम कर लेंगे। अच्छा शायद से ना हम इसके आगे जा नहीं सकते, चलो ठीक है, इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ सेलफोन रिपेयर, अच्छा सेलफोन रिपेयर की दुकान है जहाँ पर हमें नहीं रिपेयर करना, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था कि हम अपनी शॉप के अंदर फ़ोन को रिपेयर करेंगे, या फिर हो सकता है शुरुआत में ना जो टूटे हुए फ़ोन होंगे उसे हम यहाँ पर आके रिपेयर करेंगे, बाद में जब हमारे पास में ज़्यादा पैसे आने लग जाएंगे ना तो उसके बाद में हम अपनी दुकान के अंदर ही एक छोटा सा रिपेयर स्टेशन ओपन कर लेंगे। चलो ठीक है, यहाँ से तो मतलब बाहर का तो कुछ है नहीं, मैं चेक कर। अरे वाह भाई हमारे पास फ़ोन है, मतलब फ़ोन से किसको कॉल करूँगा मैं, कोई तो है नहीं यहाँ पर। शाम के 14 बज गए, यहाँ पर क्या है? ओहो इधर है ईबे स्टोर, सारे फ़ोन मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे, बट फ़ोन के नाम देख रहे हो, अप्लाई सैमसंग नोनकिया शाओमी टोनोर टू प्लस, वन प्लस की जगह भाई टू प्लस। FMC क्या है? HTC सुना हूँ मैंने, ट्रावा नहीं पता, रियल्स नहीं पता, मोटोरो, अच्छा ये मोटोरोला है, एसेसरीज के अंदर चेक करते। अच्छा भाई साहब यहाँ है बायो ईयरफोन, बहुत सारे ईयरफोन्स हैं बट ये अपने को अभी अनलॉक नहीं हुए। बाकी ये वाला सेक्शन तो सारे बिल्स पे करने का है। मेरे को केसेस चाहिए, केसेस कहाँ मिलेंगे यहाँ पर? तो ये सिर्फ ईयरबड वगैरह वो है, और सारे फ़ोन है इधर और कुछ नहीं है। एप्पल का AC मिल रहा है अपने को $140 का, जो कि है 8 GB। फ़ोन केस सर्च करता हूँ, सर्च भी नहीं कर सकते बताओ भाई, यहाँ पर जितना बता रहा है वो उतना ही कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है ना ये वाली जो अपना पड़ोसी है ना ये रिटेलर, इसके पास में शायद से फ़ोन केसेस अपने को मिलेंगे। यहाँ पर एक स्टैंड दिख रहा था, यू कांट बाय येट। अरे क्यों नहीं परचेस कर सकता? पैसे तो है मेरे पास में, कोई भी चीज़ मैं परचेस नहीं कर सकता हूँ, ये कौन सी बात हुई यार। डिस्प्ले केसेस के लिए ना जो शॉप चाहिए अपने को वो दिख नहीं रही यहाँ पर कहीं पर भी, बट स्टिल ना थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हम, मेरे को एक भी शॉप नहीं दिखी भाई, और मेरे को लगता है इसके आगे मैं जा भी नहीं सकूँगा। यस ये अपनी लिमिट है, यहीं पर जो भी करना है। अरे छोड़ दे उस महिला को, वो तेरे पर केस कर देगी पागल। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं पहले ना एक छोटा सा फ़ोन खरीद लेता हूँ, ठीक है, चेकआउट करते चेक करेंगे हम। फ़ोन तो आ गया बट फ़ोन को रखूँगा कहाँ पर, कहाँ रख के बेचूँगा मैं? $1660 आ गए मेरे पास। ये एक हेडफोन भी बाय कर लेते, देखते जो भी होगा, पैसे तो खर्च हो रहे हैं अपने। बट यार मैंने चीज़ें मंगा लिया हूँ बट यहाँ पर मेरे पास डिलीवर नहीं हुआ सामान। अरे हाँ इधर डिलीवर हुआ है ना, इसको मैं कहाँ पर रखूँगा? स्टैंड तो है नहीं मेरे पास में, ये फ़ोन है इसको चेक कर दो भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोन है, इसको
टेबल नहीं है मेरे पास में अभी फिलहाल, इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ एक ही सामान आया है और सामान नहीं आया मेरे गाड़ी। ओ अच्छा, ये कार आती है पूरी और ये कार सामान देकर जाती है अपने को। ये डिब्बे को भी फिलहाल में ना, इसके अंदर क्या आया, हेडफोन्स आ गए, वेरी नाइस। ये हेडफोन को भी इधर इन्वेंटरी के अंदर रख लेते हैं। मेरे को मोबाइल केसेस चाहिए, मतलब यू शुड बाय डिस्प्ले केसेस फॉर मोबाइल फोन्स एंड एसेसरीज, ठीक है। अच्छा ये है डिस्प्ले केसेस, एक काम करता हूँ, रुक जाओ, एक ये बाय कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको उठाकर ना शॉप के अंदर रखते हैं हम, और फिर उसके बाद में दूसरा वाला केस परचेस करेंगे। मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपये पड़े हैं और अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई बिल्कुल भी। इसको रख देता हूँ मैं ठीक अपने शॉप के ना इधर कॉर्नर में, ठीक है। ये आ गया, अब मेरे पास में जो माल है उसको मैं यहाँ रख नहीं सकता, ठीक है। मोबाइल तो मैं रख ही सकता हूँ इधर, क्या नहीं यार, मैंने गलत केस तो खरीद कर नहीं ला लिया भाई। अच्छा कांच खोलनी होती है ना, उसके बाद मैं रख सकूंगा, मैं भी इतना नूब हूं ना भाई। बट रही भाई अभी भी हेडफोन्स रखने के लिए तो नहीं मिल रहा, फोन रखने का मिल गया ना भाई फाइनली। चलो मैं छोटी वाली रैक खरीद के लेके आता हूँ अब बाजू से। मैं पहले ना डायरेक्ट पीछे वाली जगह चले गया और ये बड़ी बड़ी रैक्स में चेक कर रहा था, इसीलिए वो परचेस करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, ये छोटी वाली भी ले लिया जिसके अंदर हेडफोन लग जाएगा। तो अब मेरे पास में सिर्फ $370 पड़े हुए और अब मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का इंतजार करना है। एक ही फोन है भाई मेरे पास, इसको भी यहीं पर प्लेस कर देते, ठीक है। यार मैंने फर्नीचर को ऐसे गलत जगह पर मतलब उल्टा लगा दिया है, इसको अब रोटेट कैसे करूं। यस अब हुआ ये रोटेट, इसको एकदम परफेक्टली ना चिपका कर लगाते। जो जो चीजें करने के लिए बोल रहा है क्या, वो सारी चीजें ना मैंने ऑलरेडी कर लिया हूं। ये बोल रहा है अभी इधर जाओ और चीजें बाय करो, बट हमने सारी चीज़ें पहले ही करके रख ली है। एक और सैमसंग का फ़ोन खरीद लूँ क्या, पैसे तो है हमारे पास में आई गेस। यस पैसे है मेरे पास में, दो दो फ़ोन हो जाएंगे ना। अब जो हेडफोन पड़ा हुआ है ना मेरे पास, ये हेडफोन को इसके अंदर यस ऐसे लगेगा। अच्छा प्रॉपर हुक के अंदर लगाना है, ऐसे कहीं पर किधर भी कुछ भी नहीं कर सकते हम। $230 पड़े हुए, क्या मेरा पार्सल आया, आ जा भाई। क्या ये मेरे आंख पर से जाएगा, एक बार चेक करते, नहीं जाएगा, इतना धीमे आ रहा है, मैं मेरे को कुछ होगा भी नहीं। मैं तब तक ये डिब्बे हटा देता हूँ ना, ये खामखा पसारा होता रहेगा। ये दोनों डिब्बों को मैं फेंक कर आ जाता हूँ बाजू कूड़ेदान के अंदर। दुकान खुली रख कर गया था मैं कूड़ा फेंकने के लिए, इतनी देर में चोरी हो जाती ना तो हो गया था फिर अपना काम। चलो ये वाला भी फोन इधर लगा देते हैं, अभी अपने को सिर्फ और सिर्फ ना कस्टमर का इंतजार करना है, वो आएगा और फिर सामान बेचेगा। वैसे दिन में ये जगह इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, बट रात होते ही यहाँ पर लाइटें चालू हो गई ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, सच्ची में बहुत ज़्यादा ऐसे प्यारा लग रहा है। कस्टमर मेरे को नहीं लगता कोई आएगा। ओपन द शॉप एंड वेट फॉर कस्टमर्स टू अराइव, एट फर्स्ट कस्टमर विल बी फ्यू, एज द प्रोडक्ट इंक्रीज कस्टमर विल इंक्रीज, वेरी नाइस। इधर से ये बोर्ड, अच्छा 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 अच्छा, मैं यहाँ से ये बोर्ड को चेंज कर सकता हूँ, बट अभी रात होगी, अभी सोना बेटर रहेगा है ना, रात के टाइम अभी ज़्यादा नहीं जागते, सुबह बिजनेस करेंगे हम। और अभी हम जा रहे हैं अपनी भूतिया बिल्डिंग में, भाई रात में तो सच्ची डरावनी हो गई है। बट ना 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 ना, पता नहीं हमारी बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं, चुपचाप से अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लो और सो जाओ, सुबह उठेंगे आराम से फ्रेश होंगे और जाकर काम करेंगे। टट्टी वट्टी करने की ज़रूरत है या फिर सारी ऑटोमेशन पर चल रहा है प्रोसेस, नहीं हम टट्टी लेस आदमी, अपने को टट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह के 8 बजे, आज तो सुबह ही सुबह हम शॉप पर पहुंचने वाले हैं अपनी। ए ऊपर वाले, मेरी शॉप की रक्षा करना और हमारे बिजनेस को बढ़ा देना, ठीक है। चलो ये ओपन हो गई भाई, हमारी शॉप ओपन हो गई। डोर भी अगर बंद करूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, शायद से पड़ सकता है, तो डोर को खुला ही रखता हूँ और मैं शॉप के ठीक सामने खड़ा हो जाता हूँ। लोग तो यहाँ मतलब सुबह के 8 बज रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा कम लोग दिख रहे हैं, बट जैसे ही टाइम बीतता जाएगा ना तो शायद से हो सकता है लोग बढ़ जाए। मैंने ये सामने की गली चेक नहीं किया, यहाँ पर अपने को कुछ मिलेगा या ओहो, ये गारंटी चोर होने वाला है मैं बता रहा हूँ तुमको। What do you want from me? I need a phone. I have a $10 for 126. Would you like it? समझ में नहीं आया मेरे। Let's see, अगर करूँगा तो भाई फ़ोन $10 में मिल रहा है, ये अपने को 3 GB का है। मार्केट प्राइस इसका $219 है, बैटरी हेल्थ इसकी 50 है, डीप पर्पल कलर है इसका, स्टोरेज 3 GB है, पॉपुलैरिटी इसकी 3 है, वर्किंग कंडीशन
बाय कर रहा हूँ मैं। हमारे बिजनेस की पहली ही शुरुआत हमने चोरी से की। अरे कस्टमर रुका हुआ है, आज का हमारा समझ लो डे वन ही है, कल के दिन तो हमने सिर्फ शॉप को वो किया है। हेलो सर कैसे हो? हेलो आई वांट टू सेल माय Xiaomi 12, आई केम हियर टू इवेलुएट इट एंड गेट एन ऑफर। लेट्स सी, तुम्हारे प्राइस कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही है, 1 GB है, पॉपुलैरिटी मतलब कंडीशन नॉट वर्किंग, पॉपुलैरिटी इसकी 4 स्टार है, स्टोरेज कैपेसिटी 1 GB है, कलर ग्रीन, बैटरी हेल्थ 100%, मार्केट प्राइस 400। अरे दे 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 दे, लेट्स डील ब्रदर, लेट्स डील टू ऑफर। कितने बोल? आई हैव लिस्टेड दिस डिवाइस फॉर सेल $1649। तू पागल तो नहीं है? सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू सेल, आई रियली डोंट वॉन्ट टू सेल। आज का हमारा पहला ही दिन है बिजनेस का, ठीक है, और पहले ही दिन हमने ओट पटांग हरकतें करना चालू कर दिए, मतलब 2 नंबर के काम हमने पहले ही चालू कर दिए। मैंने ना इधर बैक साइड में वो वाली शॉप देखा हूँ जहाँ पर मोबाइल वो रिपेयर होते हैं ना, तो जो हमारे पास में ये फ़ोन पड़ा हुआ है ना, मैं ये फ़ोन दे दूँगा तो कम से कम बन के तो मिल जाएगा। ये कब तक मिलेगा भाई फोन? सॉरी पहले फोन तो चेक कर लो, किससे तेरे से बात करनी है, किससे बात करनी है। अच्छा डायरेक्ट इसके हाथ में नहीं देना, अपने को फोन यहाँ रखना है। भाई साहब चेक करके बताना, इन व्हाट एरिया कैन आई सपोर्ट? फिक्स इट, $85 लग रहे हैं। चल ठीक है, अगर डील होगी भी मतलब इसमें प्रॉफिट होगा भी या लॉस भी होगा, हम दोनों चीज़ें ना चेक कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा सा सीन नहीं है। क्या ये तुरंत अपने को फ़ोन देगा या फिर कुछ टाइम के बाद आना पड़ेगा? 5 hours left टू कम्प्लीट रिपेयर। ओके ठीक है, कोई सीन नहीं है, आराम से काम करके दो तुम, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। इस वाले जो 2 नंबर का हमने काम किया उसमें हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पहली बार था करके बस हमने ट्राई कर लिया। Hi, I have a real C40 that I want to... इधर सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। Should I proceed with the process? Let's see, पहले फ़ोन तो चेक करने दो मेरे को। Not working, storage capacity 0 GB, battery health 53, market price $250। ये बोल रहा कितने अपने को? आई हैव लिस्टेड द डिवाइस फॉर सेल $602। यार ये इधर ना मिक्स हो गया, रुक जाओ मेरे को इससे ना कन्वर्जेशन दोबारा से स्टार्ट करूँ, मैं अपना ऑफर करता हूँ, सिर्फ $20 लिखूँगा, ठीक है। आई हैव मेड 5, नहीं यार तू जा, मेरे को पढ़ने ही नहीं आ रहा, वो सारे ना टेक्स्ट मिक्स हो गए। 5 hours लेफ्ट टू कम्प्लीट द रिपेयर, इधर खड़ा हो जाता हूँ मैं। पहली बार मेरे को चिड़िया की आवाज़ सुनाई थी गेम में, जाकर चेक करता हूँ ना और फोन आया कि नहीं, क्योंकि अरे $19 बच्चे हैं मेरे पास। अरे हाँ हमने रिपेयर वाले को फ़ोन दे के आया ना, कुछ आया क्या भाई तेरे पास? ये सारे टेक्स्ट मिक्स हो गए यार, ये पढ़ना नहीं आ रहा मेरे को। ओहो बंदा आया, एक और बंदा आया। अरे ये तो वही बुड्ढा है जिसको जाने नहीं दे रहे थे, तू क्या फ़ोन खरीदने आया है? भाई यार ये जो रिपेयरिंग का टेक्स्ट वाला मैसेज है ना, ये सामने ही पॉपअप हो रहा है। गुड डे, आई हैव एन अनयूज्ड एप्पल 14 वर्किंग कंडीशन, पॉपुलैरिटी फुल स्टोरेज, भाई 540 बोल रहा है, बट आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड कॉज वी डोंट हैव मनी, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं। और बिजली चालू करता हूँ ना, थोड़ा दुकान के अंदर रौनक लगेगी, अभी तक तो मैंने एक भी माल नहीं बेचा हूँ, बस दोबारा जाकर ना एक बार चेक करके आता हूँ, उसका दिमाग तो खाते, कम से कम फ़ोन हमारा रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है जो भी है। भाई साहब क्या हमारा फ़ोन रिपेयर हो गया है? अबे तू तो फ़ोन इधर ही रख के बैठा है, काम करके देना, फ़ोन रिपेयर कर दे, सामने रख के बैठा है भाई खाली, तुम यहाँ क्या अंदर घुस के? भाई मैं उधर रिपेयर देखने के लिए क्या, ये बाजू आके खड़े हो गई। $50 में सेल हो रहा है ना? अरे बिल्कुल सेल, $50 मतलब $10 का हमारा प्रॉफिट हो गया है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, एक और हेडफोन में मंगा लेता हूँ, अभी क्या $80 का मिल रहा है भाई। इसमें ये भी होना चाहिए था कि मतलब हमें पॉपुलैरिटी भी पता लग जाए कि कौन सी चीज़ की कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, तो हम वो हिसाब से ना सारी चीज़ें ऑर्डर करें। अभी $40 वाला ये एक और मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, $20 तो भी हमारे पास में बचे हुए रहेंगे। हेलो दीदी क्या हो गया? आई हैव अ सैमसंग A14, बताओ पहले फ़ोन बताओ तुम्हारा, वर्किंग कंडीशन में $181 बोल रहे हो? अरे मेरे पास में ना अभी एक्चुअल दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास में ना पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हें थोड़े बहुत देकर ना तुम्हारा फ़ोन रख लेता। रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है, कितनी देर लग रही है उसे काम करने के लिए? अरे भाई जल्दी कर दे, मेरा पूरा कैपिटल यहीं पर फंस गया, तू यहाँ फ़ोन को देखते बैठा है, मैं ना हथौड़ी निकाल के तेरा टकला तोड़ दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, जल्दी कर दे मेरा काम। चलो आ गया अपना हेडफोन वाला माल, इन्वेंट्री के अंदर रखते,
और कस्टमर तो अभी है नहीं हमारे पास, इसको इधर टांग देता हूँ ठीक आंखों के सामने, और ये कचरे के डिब्बे को रहने दूँ या फिर नहीं 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 साफ सफाई मेंटेन करनी चाहिए तो अच्छा लगता है, आसपास में अच्छी अच्छी एनर्जी आती है। अगर गंदे माहौल के अंदर रहेंगे ना तो वही सारी उल्टी ऊट पटांग चीज़ें दिमाग में चलेगी, फिर गंदा गंदा चलेगा। तू वापस आ गया, अब क्या है तेरे पास में? 2+ वाला फ़ोन लेके आया तेरा फ़ोन, बता वर्किंग कंडीशन नहीं है? मार्केट प्राइस $274 बोल रहा है यार ये, मेरे को मेरा सेकंड हैंड फ़ोन आने दो, उसके बाद में बात करेंगे ठीक है। यार मैंने इधर आईफोन रखा हूँ, ये आईफोन आई ले रही नहीं है भाई कोई भी, कितने टाइम से ये फ़ोन यहाँ पर रखे हुए बट अभी तक कोई आया नहीं, इंतज़ार ही कर सकते हैं हम और क्या ही कर सकते हैं भाई। ओ एक कस्टमर आया, कन्वर्सेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो डायरेक्ट कबर्ड के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये तो मेरा ये ऐसी $140 में मैंने मतलब लाया उसको, मैं तेरे को ना $160 में दूंगा ठीक है। $55 क्या कर रहा है ये, $55 क्या बोल रहा है, $150 लिख देता हूँ इधर ठीक है, $150 आई एम नॉट विलिंग टू पे। चल ठीक है तू $145 दे दे, आई एम सॉरी बट एक सेकेंड रुक जा तू। अरे ये क्या बात हुई, जा निकल, नहीं चाहिए ना तेरे को निकल, तुम्हें भी हेडफोन चाहिए, पेड $40 सेल प्राइस $50, सेल कर देते हैं, $20 का अभी हमारा मुनाफा हो गया, तुम सेकंड हैंड फोन लाओगे बट फिलहाल में आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। कस्टमर ना रोज बढ़ते जा रहे हैं भाई, काफी ज्यादा बढ़ रहे कस्टमर, ये 2 नंबर का ना काम मेरे को करना नहीं चाहिए था पता है। ओ फोन हमारा रेडी हो गया है, $126 हमने टोटल इन्वेस्ट किया, मार्केट प्राइस $219 का है। चलो भाई अब हम कम से कम कन्वर्सेशन कर पाएंगे। हमारे पास में कौन सा फ़ोन है वैसे, ये पता नहीं बट एप्पल टाइप तो लग रहा है उसकी नॉच से, जो भी ये देखा जाएगा। इसको भी मैं डिस्प्ले के अंदर लगा देता हूँ ठीक है, डिस्प्ले खुल जा भाई, ये भी फ़ोन इधर आ गया, तीन तीन फ़ोन आ गए। अब बोलो भाई, अब करो कन्वर्सेशन जिसको करना है। 2+8 है, आई केम टू मेक अ डील विथ यू, आई लाइक टू हियर योर ऑफर। तेरा फ़ोन बता, फ़ोन मरियल कंडीशन में, और मरियल फ़ोन मैं डील नहीं करता मरियल फ़ोन के साथ में। हाँ बताओ चलो तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास से कोई फ़ोन चाहिए। हेलो आई केम हियर टू सेल माय एप्पल फ़ोन SE, इट्स एन एक्सीलेंट कंडीशन विद कम्स विद ओरिजिनल एसेसरीज, बता ज़रा ओरिजिनल एसेसरीज के साथ। बट ऑलरेडी मेरे पास में 2 SE पड़े हुए और 140 बोल रहा है, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलो अपना ऑफर तो देंगे उसको, $70 का ऑफर देता हूँ ठीक है, $9 मेरे पास में बचेंगे। डील इट्स डन, आई एग्री सेल। ए ए अरे पागल इंसान, मैंने मेरे पास का फोन उसको बेच दिया, 140 में मैंने खरीदा हुआ और $70 में इसको बेच दिया, करके तो खुशी खुशी चला गया वो। अरे भाई ये रुक जाओ भाई ये बिजनेस का कुछ सच्चा नहीं लग रहा मेरे को, इतनी जल्दी हमारा नुकसान भी हो गया, वो भी $60-$50 के आसपास का कुछ। मेरा क्या होगा मेरे को नहीं पता, मैं दुकान को कर रहा हूँ बंद और जा रहा हूँ घर सोने के लिए, अंदर से दरवाजा लगा रहा हूँ, बताओ दरवाजा बंद हो जाए, मैंने ना $60 का नुकसान करा लिया यार भाई। बट चलो पहले ही दिन है, इसमें क्या ही एक्सपेक्ट कर लेंगे हम, है कि नहीं। घर जाते हैं हम, सो जाते हैं, और ना हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आयो चैनल पे एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ, अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और अभी एक और मैसेज आया, यू हैव बीन फाइंड $500 फॉर सेलिंग अ स्टोलन फोन इन योर स्टोर। अरे चोरी का फोन इन्वेंटरी के अंदर रखना चाहिए था, कबाड़ में रख के बेच रहा हूँ, हाँ $500 का तो यही चुना लग गया, माइनस $350 तो मैं अभी हो गया। खैर खैर मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में ठीक है, बाय बाय।